Good morning. Students, in last lecture we studied that the proteins are digested in our stomach by the enzyme pepsin, and another enzyme renin also digests milk proteins. A food jaise small intestine mein aata hai, here it receives bile juice. There is no enzyme in the bile juice, as you know. Second, it receives pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस एक कंप्लीट जूस है बेटा. इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. एक तो होता है बेटा ट्रिप्सिनोजन, एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, और एक एंजाइम और है बेटा इसमें, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, these enzymes are inactive actually. इसके पीछे देखो जेल लगा हुआ है, इसके आगे प्रो लगा हुआ है. तो क्योंकि स्टमक में तो HCl एक्टिवेट कर रहा था, यहां कौन एक्टिवेट करेगा? यहां पे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है बेटा. ट्रिप्सिनोजन, इसको एक्टिवेट करवाना है ट्रिप्सिन में. तो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने का काम यहां पे करता है इंटेरोकाइनेज. इंटेरोकाइनेज ये क्या होता है? ये एक नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है. नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, और ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. इसका सोर्स क्या है? ये एक्चुअली होता है बेटा इंटेस्टाइनल जूस में, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रिलीज करती हैं उसमें ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए इंटेरोकाइनेज एंजाइम है. अब ये जो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ है, ये ऑटो कैटालाइसिस करता है, मतलब खुद को आगे फिर एक्टिवेट कर लेगा. एक बार जैसे ही एक्टिवेट होगा फिर सेल्फ एक्टिवेट करता रहेगा. इसके बाद है बेटा ये एक्ट कैसे करेगा? ये एंजाइम प्रोटीन्स पे एक्ट करता है और उनको कन्वर्ट करवाता है पेप्टाइड्स में. तो जो प्रोटीन्स फूड में हैं, उन प्रोटीन्स के ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, और इनको कन्वर्ट करवा देगा बेटा पेप्टाइड्स में. पेप्टाइड्स में फिर जो दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन दिस इज ऑल्सो कन्वर्टेड बाय ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करता है और ये जेन वर्ड पीछे से हटा देंगे बेटा काइमोट्रिप्सिन. अब ये एंजाइम प्रोटीन्स को फर्दर डाइजेस्ट करता है और ये भी इनको कन्वर्ट करवा देगा बेटा पेप्टाइड्स में. पेप्टाइड्स में इसके बाद अगला एंजाइम जो तीसरा था प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज. अब ये एंजाइम कार्बोक्सिल ग्रुप पे अटैक करता है, नाम से ही पता है. जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना बेटा बायोमोलिक्यूल्स में, वहां पे आएगा कि अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है, उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं. तो इसको भी एक्टिवेट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन. इट गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, दिस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट्स ऑन पेप्टाइड्स. इट एक्ट्स ऑन पेप्टाइड्स. देखो बेटा प्रोटीन फर्दर ब्रेक डाउन होते जाएंगे सिंपल में, और यहां पे ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे अमीनो एसिड प्लस डाइपेप्टाइड्स में, अमीनो एसिड्स और डाइपेप्टाइड्स. ये यहां पे डाइजेशन किसकी चल रही है? पैनक्रियाटिक जूस से प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है वो देख रहे हैं बेटा. अब इसके बाद फूड आगे पास होता है, आगे इसको यही स्मॉल इंटेस्टाइन में नेक्स्ट जूस मिलता है विच इज इंटेस्टाइनल जूस. ये लास्ट जूस बेटा इंटेस्टाइनल जूस. अब इस जूस में जो एंजाइम्स हैं
यहां पे बेटा अमीनो पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज, दिस एंजाइम फर्दर एक्ट्स अपॉन द पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स एंड दीज पेप्टाइड्स गेट कन्वर्टेड टू सेम अमीनो एसिड प्लस डाइपेप्टाइड। देन बेटा अब लास्ट में बचता है एंजाइम डाइपेप्टाइडेज, जो इस लास्ट इस प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करवा देगा, डाइपेप्टाइड टू अमीनो एसिड्स। यहां पे ये प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन हो गई है, प्रोटीन्स टोटल ब्रेकडाउन हो गए बेटा अमीनो एसिड में। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट है टॉपिक कि जो प्रोटीन्स हैं लाइक हेयर केराटिन, जैसे हेयर केराटिन है, जैसे बाल आ जाएं खाने में, और सिल्क है, जैसे वुल प्रोटीन है, जैसे क्या हम इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हमारे पास इनके लिए कोई एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम किसी वर्टिब्रेट में नहीं है बेटा। अगर हमारे फूड में ये इंक्लूड है तो ये एज इट इज पास हो जाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होंगे। इनको डाइजेस्ट करने के लिए इंसेक्ट्स के पास होता है, इंसेक्ट्स कैन डाइजेस्ट, इंसेक्ट्स इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो उनके पास एंजाइम्स होते हैं जिससे ये प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं। अब लास्ट डाइजेशन है बेटा, हमने फर्स्ट पढ़ी कार्बोहाइड्रेट्स की, सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया प्रोटीन्स, और अब बेटा थर्ड डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब फैट्स के लिए जो एंजाइम होते हैं डाइजेशन के लिए, वो आपको पता है कौन से होते हैं? लाइपेज। अब लाइपेज एंजाइम फर्स्ट है बेटा बकल कैविटी में, बकल कैविटी में क्या मिलता है? सलाइवा। तो यहां पे तो हमारे पास कोई लाइपेज है ही नहीं, तो हमारे बकल कैविटी में फैट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे। इसके बाद फूड पास करता है बेटा आगे स्टमक में, स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज मिलता है, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में मिलता है बेटा, फिर ये एक्ट भी नहीं कर पाता क्योंकि हमारे पास इमल्सीफाइड फैट नहीं है वहां पे, क्योंकि बाइल जूस नहीं है यहां पे। तो जो आपने फूड खाया अगर उसमें इमल्सीफाइड फैट है तो वो यहां डाइजेस्ट हो जाएगा। आर फूड विद 1% इमल्सीफाइड फैट, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो ये यहां डाइजेस्ट हो सकता है बाकी नहीं। तो 1% वो भी अगर आपके फूड में इमल्सीफाइड फैट्स हैं तो। इसके बाद फूड आगे पास होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा बेटा फर्स्ट है बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस के पास हम पहले पढ़ चुके हैं बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स क्या करवाते हैं बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। तो यहां फैट्स इमल्सिफाई हो जाएगा, इमल्सिफाई का मतलब लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल में, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स गेट कन्वर्टेड टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यहां पे इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस हो गया बेटा। अब इसके बाद फूड को मिलता है पेनक्रिएटिक जूस, इसे जैसे फूड आगे होगा तो सेकंड स्टेप है बेटा यहां पे पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में हमें पता है एक एंजाइम है विच इज पेनक्रिएटिक लाइपेज, दिस पेनक्रिएटिक लाइपेज एक्ट्स अपॉन दी इमल्सीफाइड फैट, इमल्सीफाइड फैट जो बाइल ने इमल्सिफिकेशन किया है, इस इमल्सीफाइड फैट को पेनक्रिएटिक लाइपेज कन्वर्ट करवा देगा बेटा किसमें? फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड्स में।
फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड, यहां पे मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा फैटी एसिड का, बट यहां पे कंप्लीट फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि फूड आगे पास हो जाता है। कुछ डाई वाले भी यहां मोनो में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, बट सारे नहीं हो पाते। इसके बाद फूड आगे पास होता है, वहां इनको मिलता है बेटा इंटेस्टाइनल लाइपेस। इंटेस्टाइनल लाइपेस फैट को टोटल डाइजेस्ट करवा देगा बेटा, वही इमल्सिफाइड फैट को, चाहे इमल्सिफाइड फैट आ जाए, चाहे यहां पे डाइग्लिसराइड आ जाए इस स्टेप से ये वाला, चाहे यहां पे मोनोग्लिसराइड आ जाए बेटा, किसी भी फॉर्म में अगर फैट आता है यहां पे तो उसको कन्वर्ट करवा देंगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल में। ये डाइजेशन फैट्स की यहां कंप्लीट हो गई है बच्चे। अब हमारे फूड में एक पार्ट और भी होता है, न्यूक्लियोटाइड्स भी मिलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए, क्या वो भी डाइजेस्ट होता है? उसके लिए भी हमारे पास एंजाइम्स है बेटा। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं उसमें सेल्स हैं, उन सेल्स में ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स भी हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? आपने 10th में पढ़ा है डीएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो क्या वो डीएनए डाइजेस्ट होता है? तो उसका आंसर है कि होता है वो डाइजेशन। और वो कौन करवाता है? इसका डाइजेशन करवाता है बेटा पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में हमारे पास जो एंजाइम्स हैं इसके लिए वो है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेजिस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेजिस, और यहां पे होते हैं बेटा राइबो न्यूक्लियेजिस। ये क्या करते हैं? ये डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, डीएनए को ये एंजाइम ये कन्वर्ट करवाता है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, और आरएनए को ये एंजाइम ये कन्वर्ट करवाता है बेटा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। फिर बेटा आगे इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस फर्दर फिर डाइजेशन करवाएगा, इंटेस्टाइनल जूस फर्दर ब्रेक्स ये न्यूक्लियोटाइड्स को जो पिछले स्टेप में बने हैं, यहां पे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइडेज ये कन्वर्ट करवा देगा बेटा इसको न्यूक्लियोसाइट प्लस फॉस्फेट में। ये अगर आपको अब इस स्टेज पे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है तो हम आगे बायो मॉलिक्यूल में डीएनए आरएनए जब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा तो आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट समझ में आएंगे। इसके बाद है बेटा न्यूक्लियोसाइडेज, एक एंजाइम और आता है इसका न्यूक्लियोसाइडेज, ये कंप्लीट डाइजेस्ट करवा देगा न्यूक्लियोसाइड को, न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजिनस बेसिस में प्लस जो इसके अंदर शुगर है। तो ये कंप्लीट डाइजेशन होगी है यहां डीएनए और आरएनए की, फैट्स की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की। हमने दो स्टेप पढ़ लिए बेटा इंजेशन और डाइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है। अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे चलेगी? जैसे ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां जैसे ये एक बार आप डायग्राम बना रहे बेटा, जैसे ये इसके अंदर हमने पहले पढ़ा है कि स्ट्रक्चर्स हैं यूं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ये यहां पे माइक्रोविलाई विलाई, इसके अंदर ये सरफेसेस यहां मिलते हैं, यहां पे फोल्ड्स भी हैं,
अब यहां पे यहां तक जो फूड आया बेटा, जैसे यहां तक आता है ये, अब इस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में पास करना है, क्योंकि अगर यहां से हमने नहीं उठाया इसको तो ये तो बाहर चला जाएगा ना। तो इस डाइजेस्टेड फूड को, जैसे ये यहां पे है, इस जगह पे है बेटा, ये इंटेस्टाइन के अंदर है ये वाला पार्ट। ये जो स्ट्रक्चर है फिंगर शेप स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ऐसा है, यहां से ये ब्लड आता है, इसमें ये ब्लड वेसल है, यहां बीच में यहां पे लिम्फ वेसल है, इसमें लिम्फ होता है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या स्ट्रक्चर है बेटा, विली, इसके ऊपर स्मॉल स्ट्रक्चर है ये माइक्रोविली, और यहां ये जो बीच में है, ये जो डॉटेड, अब जो ये ग्रीन है, जो ये लिम्फ है बेटा, लिम्फ। तो यहां अब एब्जॉर्प्शन जो होगी फूड की, फूड एब्जॉर्ब होकर के यहां पे फूड पड़ा, ये जो डॉटेड है दिस इज एक्चुअली आर डाइजेस्टेड फूड, दिस इज डाइजेस्टेड फूड, दिस डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब टू ब्लड एंड टू लिम्फ। ये जो स्टेप अब हम पढ़ रहे हैं ये इस टॉपिक में है एब्जॉर्प्शन में। तो फूड एब्जॉर्प्शन कहां हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन चीफ ऑर्गन है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कुछ डाइजेशन स्टमक से भी होती है, कुछ एब्जॉर्प्शन स्टमक से भी है, कुछ बकल कैविटी में भी है, बट चीफ जो ऑर्गन है, मेन जो ऑर्गन है, दैट इज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली। तो इसमें कैसे एब्जॉर्प्शन होगी बेटा, इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए जो प्रोसेस चलेगा जिससे फूड के सेगमेंट्स, फूड के कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब होंगे, वो डिस्कस करते हैं बेटा।